संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष भी जोरदार तैयारी करने में लगा हुआ है। इसको लेकर बीते दिन बैठक में हुई मुद्दों पर चर्चा हुई। महागठबंधन इंडिया की मंगलवार को हुई बैठक के बाद कांग्रेस दल की चेयरमैन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर आगामी संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को बताने की मांग करेगी। ये चिट्ठी अगले कुछ दिनों में ही लिखी जाएगी। संसद का ये विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो 5 दिनों तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी का लेटर अगले कुछ दिनों में लिखा जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी की मोदी को पत्र लिखने की योजना का संसद में उपस्थित वाले सभी 24 भारतीय घटकों ने समर्थन किया था। विपक्षी दल संसद के इस विशेष सत्र में विपक्ष अडानी ग्रुप के खिलाफ ताज़ा आरोपों, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति और केंद्रीय राज्य संबंधों पर चर्चा करना चाहता है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता बनाए रखें। उनका कहना है कि देश को अंधेरे में ना रखा जाए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं के लिए अपने आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने संसद के विशेष सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अडानी मुद्दे का भी जिक्र हुआ। बैठक में इंडिया की चौथी बैठक भोपाल में आयोजित करने पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी भी विपक्षी नेताओं से चर्चा तक नहीं की गई। यह लोकसभा चलाने का तरीका नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर विवाद, चीन विवाद, CAG रिपोर्ट सहित अन्य घोटालों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में हम मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा को हम बताना चाहते हैं कि भारत जोड़ेगा और भारत जीतेगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बताया कि विपक्षी दल सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद देश की है, सरकार देश को अंधेरे में रख रही है। ये सरकार न तो पारदर्शी है न ही जिम्मेदार। हम संसद में सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे, हम विशेष सत्र में अपने मुद्दे उठाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।